हेलो दोस्तों, मैं कमल प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर के फंडे में। और आज हम बात करेंगे कलर थ्योरी पर और इसे समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कलर थ्योरी क्या है। कलर थ्योरी रंगों का एक सिद्धांत है, एक नियम है जिसके मदद से कलर को कई रूपों में देख सकते हैं या बना सकते हैं। किसी भी कलर को हल्का गहरा या लाइटर डीप बना के उसके रूप को या वैरायटी को बदल सकते हैं, यही है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी को डिटेल में समझने के लिए उसके ह्यू, सेचुरेशन, वैल्यू, टीन, टोन, शेड पहले जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अभी तक ले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो सबसे पहले जानते हैं कि ह्यू का मतलब क्या होता है। ह्यू का मतलब है शुद्ध रंग, यानी कि किसी भी शुद्ध कलर को ह्यू कहते हैं। यह कलर का दूसरा नाम है। जिस प्रकार सूरज को भास्कर भी कहा जाता है, दिनकर भी कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से ह्यू का मतलब कलर होता है और कलर का मतलब ह्यू होता है, यानी कि प्योर कलर। एक कलर से दूसरा कलर कैसे बनाया जाता है, यानी कि एक कलर को मर्ज करके दूसरा कलर कैसे बनाया जाता है, मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सैचुरेशन की। सैचुरेशन आखिर होता क्या है? सैचुरेशन कलर की शुद्धता का परिचय देती है, यानी कि इंट्रोडक्शन देती है। कलर जितना चमकीला होगा उतना ही हाई सैचुरेटेड कहलाएगा, जबकि जितना फीका होगा उतना ही लो सैचुरेटेड होगा। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं वैल्यू की। वैल्यू का अर्थ होता है कलर के हल्के और गहरेपन का जो मात्रा होता है उसको वैल्यू कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हल्के से गहरे और रंग में जा रही है कलर और गहरे से हल्के रंग की तरफ में आ रही है कलर, यही है वैल्यू। यानी कि उसका जो मात्रा है हल्के से गहरेपन में, वही है वैल्यू। कलर के हल्के और गहरेपन को, मतलब वैल्यू को, तीन तरीकों से जान सकते हैं। पहला है टिन, दूसरा है टोन और तीसरा है सेड। टिन कलर का अर्थ होता है किसी भी कलर में व्हाइट कलर यानी कि सफेद कलर को मिलाने से प्राप्त होने वाले कलर को उस कलर के टिन कहलाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दूसरा नंबर है टोन। किसी भी कलर में ग्रे कलर को मिलाने से प्राप्त होने वाले कलर को उस कलर के टोन कहलाते हैं। यह है टोन। आप देख सकते हैं इस कलर में ग्रे को मिला देने से धीरे धीरे ये और लाइटर होता जा रहा है, इसी को हम टोन कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि शेड क्या है। शेड उसे कहते हैं किसी भी कलर में काले या ब्लैक कलर को मिलाने से प्राप्त होने वाले कलर को उस कलर के शेड कहलाते हैं। जैसा कि इस कलर में आपको नजर आ रहा है, जहां जहां पर ब्लैक की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिस जिस कलर में ब्लैक जा रही है वो कलर डीप होती जा रही है, यानी कि डार्क होती जा रही है, और इसी को शेड कहते हैं। जैसा कि आप कलर व्हील में देख सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो जर्नल इमेज है उसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ब्लैक कलर है उसको किसी भी कलर के साथ मिक्स किया जा रहा है, किसी भी कलर में मिलाया जा रहा है, तो वो कलर डार्क होती जा रही है यानी कि डीप होती जा रही है, तो इसी को शेड कहते हैं। यही थी कलर थ्योरी। तो आज हमने पूरे तरीके से सीखा है कलर के बारे में, कलर थ्योरी क्या है और इसके जो सैचुरेशन है, इसका जो ह्यू है, इसका जो टोन है, टिन है और शेड है, इनके बारे में भी हमने जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कलर का कौन सा रूप पसंद आता है, टिन, टोन या शेड। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तब तक वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।